भारत वर्सेज वेस्ट इंडीज सीरीज में छाया कोरोना का प्रभाव, सीरीज से भारत के 8 सदस्य हुए कोविड पॉजिटिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच होने वाले 3 ओडीआई और 3 टी20 सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम के कौन से वो सदस्य कोविड पॉजिटिव आए हैं, कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस सीरीज में इंडिया टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी जिसमें शिखर धवन ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन के साथ कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, अब हमें क्या देखने को मिलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, इन खतरनाक खिलाड़ियों की जगह कौन से खिलाड़ी ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ के बारे में जानना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दे। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 200 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो हाल ही में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 6 फरवरी से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की टी20 मैचों की सीरीज में बीसीसीआई ने भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 घोषित कर दी थी। लेकिन अब हमें कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसके चलते टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 ही बदल चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम पूरे विस्तार से जान लेते हैं। कल भारतीय टीम के अहमदाबाद पहुंचते ही भारतीय टीम के 8 सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव, जिसमें नाम आता है टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो कि हमें इस टीम की नींव की तरह दिखते हैं, वो है शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी प्रेजेंट टाइम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर इस टीम के 4 मेंबर्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब इन खिलाड़ियों के पॉजिटिव होने के बाद पूरी प्लेइंग 11 क्या रखी है रोहित शर्मा ने, पूरी विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा, वहीं टीम की ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शिखर धवन की जगह पर मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल एक बेहतरीन प्लेयर हैं, इन्होंने वनडे मुकाबले में पहले भी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। वहीं रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया की ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं पर हमें टीम की तरफ से नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 4 पर केएल राहुल श्रेयस अय्यर की जगह लेते हुए दिखने वाले हैं। वहीं पर नंबर 5 पर ऋषभ पंत दिखने वाले हैं। तो नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। तो नंबर 7 पर हमें दिखेंगे वॉशिंगटन सुंदर, जबकि नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, तो वहीं नंबर 9 पर दीपक चहर, इसके बाद नंबर 10 पर कुलदीप यादव या फिर रवि बिश्नोई में से कोई एक खेलते हुए दिखने वाले हैं। जबकि 11वें खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि देखा जाए तो अभी भी टीम इंडिया की काफ़ी मजबूती पर चल रही है, लेकिन अगर कोई और खिलाड़ी भी पॉजिटिव आता है तो फिर टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा पाएगी, हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।